हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किम छे, दिस डीजे आदिल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन व्लॉग। एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। सो गाइस, आज है डे 8। तो आज हम एक चीज़ सिखाने वाले हैं, वो है आप वीडियो कैसे शूट कर सकते हो और वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, वो चीज़ बताने। काफ़ी सारे बिगनर्स हैं तो हमारे उनको पता नहीं है कि भाई हमें एडिट कैसे करना है और किस सॉफ्टवेयर से करना है, कैसे करना है, कैसे एक्सपोर्ट होती है, कैसे ऐड होती है। क्योंकि यार जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब मैं सोच रहा था कि यार मुझे स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आई थी कि मैं व्लॉग तो स्टार्ट करूँगा लेकिन मैं एडिटिंग कैसे करूँगा। तो कुछ टाइम बाद मुझे पता चला इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो सॉफ्टवेयर है काइंड मास्टर। तो भाई काइंड मास्टर से जो एडिटिंग आप कर लोगे और धीरे धीरे करते करते आपकी स्किल इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप लैपटॉप को भूल जाओगे और ट्रैवल करोगे फ़ोन को लेकर। ट्रैवल करो फ़ोन से, शूट करो फ़ोन से, एडिट करो फ़ोन से, अपलोड करो, सारा काम फ़ोन से हो जाना है। कोई माइक वाइक की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत। भाई मैंने बस लगा रखा है, घर पे था तो मैंने लगा लिया, लेकिन बाहर में जाता हूँ तो आपने पिछली वीडियो कई सारी देखे होंगे, मैंने किसी में माइक का यूज़ नहीं किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर दिखाते हैं हम कैसे वीडियो को ऐड करेंगे और कैसे हम उसको एडिट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी क्लिप कैसे बनकर तैयार होगी। तो ये आज का है बेसिक। अगर और भी चाहिए तो और हम आगे बताएंगे, पूरी वीडियो में बताएंगे, पूरी एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं काइंड मास्टर। तो अभी हम चलते हैं काइंड मास्टर पे। तो ये रहा हमारा काइंड मास्टर और इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे फोल्डर्स वगैरह खुल जाएंगे। इसको एक बार मैं बैक करता हूँ, दिखाता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। और उसके बाद यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे हम। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपकी जहाँ भी कोई फाइल हो, जैसे आप कैमरे में शूट करते हैं तो कैमरे में आ जाती है, तो आप जहाँ भी क्लिप पड़ी हो वो आप यहाँ से क्लिक करके इसे अपने इसमें ड्रॉप कर लें। जैसे इसे मैंने लगा ली, अब ये आ चुकी है, इसमें ड्रैग हो गई है फाइल। तो अब इसको हम पीछे आएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। चलो एक और क्लिप ऐड कर लेते हैं इसमें। इस पे गए और ये क्लिप ऐड कर ली। तो खैर ये तो इंट्रो का है, तो ये मेरी पिछली वीडियो में दिखाते हैं हम प्ले करने के लिए। यहाँ से हम प्ले करेंगे और पता चलेगा कहाँ से कट होगी, कहाँ से क्या होगा। तो पहले इसको प्ले करते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम। तो स्टार्टिंग का हमारा यहाँ से आप देखो। सो हेलो गाइस, नमस्कार। तो थोड़ा सा कैमरा घूमता है जब, उसके बाद मैं बोलता हूँ। सो हेलो, तो जहाँ से ये बोल रहा है वहाँ से हम थोड़ा सा कट करेंगे बस। सो हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छोते जी दे आदिल, वेलकम टू माय YouTube चैनल बेस्ड ऑन व्लॉग्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब उसके बाद मैं शांत हो गया, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, प्रारंभ करते हैं, उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ, साइड में देख रहा हूँ। तो इस क्लिप को हम कट कैसे करेंगे दिखाते हैं। इस क्लिप को कट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कहाँ से बोला था मैं, बस यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद फाइल उस पर ड्रैग पे क्लिक करने के बाद जो फाइल है हमारी कट करनी है। अब ये बीच में पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर देखिए ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन है, कैची बनी हुई है। तो यहाँ पर आप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर हम इतने से अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं क्लिप लेफ्ट की क्लिप पूरी चली जाएगी, और अगर राइट में करते हैं तो राइट की क्लिप पूरी चली जाएगी, और अगर स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो बीच से वीडियो को कट कर दिया जाएगा। तो स्प्लिट करते हैं इसे, हम स्प्लिट कर दी, अब बीच से कट हो गई। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है, येलो वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा है, इसे हम कर देंगे डिलीट। ये साइड में आप देख रहे हो डिलीट का ऑप्शन है, तो इस पे हम कर देंगे डिलीट। अब ये डिलीट हो गई, अब इसको हम दोबारा से देखेंगे, ये प्रारंभ करते हैं। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं, तो वो पार्ट हमारा कट हो गया, ये वाली फाइल हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट वाली जो हमारा इंट्रो था ये हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो सेकंड हमारी स्टार्ट हो रही है क्लिप, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं बोलना कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखता हूँ। तो भाई साहब हम लोग ये भी थोड़ी सी, भाई साहब हम लोग आ गए हैं, तो इसको हम फिर से ट्रिम पर जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और वो एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। भाई साहब हम लोग आ चुके हैं ताजमहल, अब वहीं से स्टार्ट हुई मेरी क्लिप, देखिए आराम करते हैं। भाई साहब हम लोग आ चुके हैं ताजमहल यानी आगरा पे आ चुके, देख रहे हो। तो ये चीज है, आप यहाँ से कट कर सकते हो, और अगर इसके बीच में आप एक फोटो डालना चाहते हो कि हमें इस जगह पर एक फोटो डालनी है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे स्प्लिट करेंगे
और फिर हम जाएंगे मीडिया पर, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कोई फ़ोटोज़ पड़ी हुई है। तो हाँ, यहाँ पर एक फ़ोटो पड़ी हुई है, तो हम इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे एंड फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। अबे आ चुके, देख रहे हो, अब ये फ़ोटो बीच में आ गई। इसे हमें छोटी करना है कि एक बार थोड़ी कुछ सेकंड के लिए आए, बस देख रहे हो, बस इतनी। तो हमें भी फिर से इस पर क्लिक करना है, फिर स्प्लिट पर क्लिक, ट्रिम पर क्लिक करना है एंड राइट ट्रिम कर देना है। और अभी ये साइड साइड में हमारा बॉर्डर छूट रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम जूम करेंगे। तो यहाँ पेन एंड जूम लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे और दोनों उंगलियों से स्क्रीन पर जाकर इसे जूम करेंगे, तो ये जूम हो जाएगा। इतने पर छोड़ देंगे और यहाँ बीच पे क्लिक कर देंगे एंड पोजीशन, ये दोनों एक हो गई। अब इसे बैक करेंगे हम दोबारा से और फिर से देखेंगे, आ चुके, देख रहे हो, तो ये फोटो लोहे का। और अगर ये पार्ट हमें कट करना है तो फिर से हम यहाँ, तो ये रहा हमारा कट करने का पार्ट। और फिर से हमें पीछे का पार्ट कट करना है तो ये हम कट कर देंगे। अब हमारा ये क्लिप हो गया रेडी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक म्यूज़िक भी लगाएं और वो पार्ट दोबारा से लाते हैं, हम किसी और चीज़ पर हमें म्यूज़िक भी लगानी है, तो हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर और उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक किसी फाइल पर। और मैं चाहता हूँ कि इसमें म्यूज़िक चले, इसको हम इतना ही चाहते हैं कि इतना पार्ट रहे बस। अब इसे हम म्यूट कर देंगे, यानी यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करके इसका पूरी, इसकी पूरी आवाज़ बंद कर देंगे, इसकी पूरी आवाज़ यहाँ से हम बंद कर देंगे। और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, नीचे करेंगे बंद हो जाएगी। बैक जाएंगे तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं रहेगी। अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑडियो पर जाएंगे, उसके बाद हम म्यूज़िक पर जाएंगे। जहाँ पर भी आपकी म्यूज़िक पड़ी हो वहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ से हम एक म्यूज़िक ले लेंगे और इस म्यूज़िक को भी सेम उसी तरीके से कट करेंगे। म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रैग करके लाएंगे और म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे और साइड में जाएंगे, इतनी म्यूज़िक चाहिए मुझे, और इसको हम कर देंगे कट। नीचे जाएंगे, ट्रिम स्प्लिट लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके जिस तरीके से वीडियो काटते थे उसी तरीके से इसे भी कट कर देंगे हम। कट हो गया, उसके बाद हम इसे सुनेंगे तो ये म्यूज़िक पर चलेगा। तो इस तरीके से होगा, पूरी आप वीडियो एडिट कर लेंगे जिस तरीके से चाहते हैं, फ़ोटो, म्यूज़िक, सारी सब कुछ चीज़ें लग जाएंगी। पूरा बनने के बाद आप इसमें अगर एंड लिखना चाहते हैं तो इस मीडिया पर क्लिक करें, इमेज पर क्लिक करें, ब्लैक कर दें, या जैसा भी आप फोल्डर फोटोस वगैरह लगाना चाहते हैं, कैसा भी कलर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और लेयर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे वीडियो एंड हो गया, या फिर हम यहाँ पर लिख देंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब लिख देंगे, इसे डन कर देंगे। अगर इसका फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, और अगर हमें कलर चेंज करना, कलर भी यहाँ से आ जाएगा, तो कलर हम रेड कर देंगे। और इसे बड़ा करना है तो इसे हम अपनी साइड से खींचेंगे एक साइड से और बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो पार्ट, उसे हम छोटा कर देंगे और बाकी ये आ जाएगा। अब हमारा वीडियो हो गया बनकर तैयार। अब इसे हमें फाइल में लेना है जो हमारी गैलरी में आ जाए। यहाँ कॉर्नर पर आप देख रहे हो सेव का ऑप्शन दे रखा है एकदम कॉर्नर पे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे क्वालिटी लगी उसे लगी रहने देना। सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इसमें कुछ नहीं करना है, कैंसिल वगैरह कुछ नहीं, ऐसे करके आपकी वीडियो सेव होगी। ये आपकी वीडियो हो गई है सेव। अब डायरेक्ट हम जाएंगे गैलरी में और ये हमारी वीडियो आ चुकी है। और अगर इसे हम देखना चाहें तो ये हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छोते जी आदिल, वेलकम टू माय YouTube चैनल बेस्ड ऑन ब्लॉग्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं ताजमहल यानी आगरा पे, आ चुके हैं। इस तरीके से आपकी पूरी फाइल बन जाएगी। इसके बाद आपकी म्यूजिक चलेगी जो आपने म्यूजिक लगाई थी। म्यूजिक चलने के बाद आपने सब्सक्राइब किया था, वो सब्सक्राइब आ जाएगा। ये आपकी वीडियो पूरी हो गई तैयार। तो जी, ये थी बेसिक एडिटिंग एंड बेसिक चीज़ें जो हमारे काइंड मास्टर में थी। बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, आप ट्रैवल करो, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, लैपटॉप वगैरह कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस एक फ़ोन होना चाहिए आपके पास, आप वीडियो शूट करके तुरंत अपलोड कर सकते हो, मतलब कुछ ही मिनटों में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बूम।